यूपी के डीजीपी मेरे साथ मौजूद हैं, हम सर से बात कर रहे हैं। सर, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध है उसका ग्राफ काफ़ी घट गया, किस तरह उपलब्धि से देख रहे हैं यूपी पुलिस के तौर पर? ये जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश पुलिस को हासिल हुई है इसके तीन चार पहलू हैं, जिसमें सर्वप्रथम तो ये पहलू है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी सरकार ने स्पष्ट प्राथमिकताएं जो है निर्धारित की है, सोच में एक स्पष्टवादिता है कि अपराध एवं अपराधी को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को फ्रीडम दिया गया है काम करने का, पुलिस कार्य योजना बनाती है और उसको अमल में लाती है, उन कार्य योजनाओं का अनुश्रवण समय समय पर और गहनता से किया जाता है, जिसमें जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है और जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदारी में कहीं शॉर्टफॉल होता है तो उस पर फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। इसकी वजह से ये अपराध में काफ़ी गिरावट आई है और प्रोसिक्यूशन में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है, जहाँ ऐसे अपराधियों को सजा भी दिलाई जा रही है। सर, जिस प्रदेश में पहले दंगे अक्सर होते थे, दंगा जो है युक्त प्रदेश कहा जाता था, आज एक भी दंगा नहीं, सर कितनी बड़ी उपलब्धि है सर? उत्तर प्रदेश में जो दंगे नहीं हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के लिए पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना है और हर हालत में बनाए रखना है। दूसरा, जो हमें फ्री हैंड दिया गया है, चाहे वो माफिया हो चाहे वो कम्युनल एजिटेटर्स हों, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की छूट है हमें, तो वो पुलिस कर रही है। हम लोग अपने जो कम्युनल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी सेक्टर स्कीम्स हैं, हम जरा भी विलंब नहीं करते, उन सेक्टर स्कीम्स को लागू करते हैं और उन सेक्टर स्कीम्स में जो जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो तत्काल रूप से की जाती हैं। सर, योगी सरकार का जो बुलडोजर मॉडल है वो अपराध रोकने का प्रतीक बन गया, ऐसा लगता है, क्या सर कहेंगे? पुलिस पूरे व्यवस्था में कानून व्यवस्था बना के रखती है, हम एक ऐसा वातावरण निर्माण करते हैं जिसकी वजह से जो है सब जगह अमन और शांति रहे। हम ऐसे नागरिकों को बहुत एंकरेज करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं जो कानून के राज का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो जरा सी चेष्टा भी करते हैं कानून का उल्लंघन करने के लिए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक रही बात जो बुलडोज़र इस्तेमाल की है, तो जो संबंधित सक्षम डिपार्टमेंट्स हैं पूरी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कि इसी की वजह से उत्तर प्रदेश के प्रशासन की जो ये कार्रवाई है उसको हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो सही ठहराया गया है। सर, कई प्रदेशों में जो बुलडोजर मॉडल है वो काफ़ी हिट हो गया, काफ़ी चर्चा होती है सर, अब उस पर तो मेरे पास कोई कमेंट नहीं है, हम बस यही कहूँगा कि हम एकदम प्रतिबद्ध हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। सर, तमाम नेता जो विपक्ष है वो कस्टडी में डेथ होती है उसको मुद्दा लगातार बनाती है, लेकिन जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं सर, तो आप क्या कहेंगे सर? एनसीआरबी के जो आंकड़े अगर आप उसका ठीक से मीमांसा करेंगे तो पुलिस की अभिरक्षा में जो डेथ्स हैं वो बहुत कम हैं, जो जुडिशल कस्टडी में जो डेथ्स हैं जो हमारी जेलों में होती हैं तो उसकी वजह से वो आपको एब्सोल्यूट संख्या वैसे नज़र आती है, लेकिन आप परसेंटेज देखेंगे जो पॉपुलेशन परसेंटेज है यूपी का, 20 करोड़ से ज़्यादा जनता है, जो हमारी जेलों की कैपेसिटी है उसमें दुगनी क्षमता से ज़्यादा कैदी हैं, तो वहाँ जब भी कोई उनको बीमारी होती है, नैसर्गिक बीमारी होती है और उसमें जो डेथ्स होती हैं उसकी वजह से आपको ये संख्या ज़्यादा नज़र आती है, परसेंटेज वाइज बिल्कुल एकदम नियंत्रण में है। सर, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं ये आंकड़े आगे और बेहतर हों, इसी तरह बने रहें, अब इसके लिए यूपी पुलिस की क्या रणनीति है? उत्तर प्रदेश पुलिस अपने अचीवमेंट से संतोष तो लेती है, लेकिन अभी हमें विराम नहीं है और हम लगातार कार्य योजनाएँ बना रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एक नया फ्रंट पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें ये नारकोटिक्स और ड्रग्स के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन एसटीएफ की तर्ज पर किया जा रहा है और इस पे भी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे जो है।
सर, माफियाओं के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई, ड्रग माफियाओं के खिलाफ की गई, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे उनमें बड़ी कार्रवाई की गई, जो आंकड़े भी सर यूपी पुलिस ने जारी किए हैं, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्या मैसेज है सर पूरी फोर्स के लिए? सर्वप्रथम तो उत्तर प्रदेश सरकार से हमें एकदम टोटल फ्री हैंड है माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। हम केवल आपराधिक रिकॉर्ड देखते हैं और आपराधिक कृत्य देखते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। हम इस सेक्शन में नाम नहीं देखते कि कौन ये अपराधी है, क्या नाम है उसका। हम उसके आपराधिक जो हिस्ट्री है वो देखते हैं और उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, और ये कार्रवाई आपराधिक जो माफियाज हैं उनके खिलाफ लगातार जारी रहेगी। इसमें अब केवल दो ही सोल्यूशन रह गए हैं, या तो वो अपराध करना छोड़ दें और नहीं तो फिर इस प्रदेश में उनका इस तरह के गतिविधियों में लिप्त होने का संभावना अब ना के बराबर ही रहेगी। जो है सर, तमाम ऐसे मौके आते हैं जब दंगाई जो है उनको रोकने की स्थिति पुलिस के लिए चैलेंजिंग हो जाती है, तो एक ड्रोन जो सिस्टम है सर वो लाने की बात हो रही है, क्या खास है सर एंटी जो ड्रोन है सर दंगाइयों के खिलाफ? हम लोगों ने कई ड्रोन टेक्निक्स को अभी यहाँ पर इसका पर्यवेक्षण किया है, यहाँ उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था और सीनियर अफसर्स के ADG एंड अबव की करीब 10 लोगों की टीम थी जिसमें इन्होंने इसका अध्ययन किया है। तो एक टेक्नोलॉजी हम और विचार कर रहे हैं कि जब दंगाई आते हैं आगे तो बाद में उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे ड्रोन के माध्यम से उनको आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे उनका चिन्हीकरण किया जाए, उसके लिए एक अलग से टेक्नोलॉजी पर विचार कर रहे हैं और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। सर एक अलग सवाल है, IGRS और CM जो हेल्पलाइन है 1076, उस पर कुछ अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, सरकार भी सख्त दिखाई दी है सर, स्पष्टीकरण मांगा गया है, कई उसमें अधिकारी भी हैं सर, कई पुलिसकर्मी हैं, कई थानों के प्रभारी हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि अभी हमें आराम नहीं है, विराम नहीं है, तो ये हमारी कंटिन्यूस एक कार्रवाई है जो चलती रहती है। हम इन हाउस अपनी समीक्षा करते हैं, आंतरिक सुपरविजन करते हैं और जहाँ जो कमी आती है उस पर फिर हम लोग तरह तरह के करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, जिसमें कई बार हम परामर्श देते हैं, कई बार चेतावनी देते हैं और कई बार कठोर कार्रवाई भी करते हैं। जहाँ जनता के ग्रीवियंसेस से संबंधित उनके रिड्रेसल में कई लापरवाही पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई करते हैं। सर आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया, सर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तमाम मौक़ों पे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है पुलिस विभाग के लिए, बड़ी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, तो इसको लेकर कोई सर अलग से रणनीति या कोई निर्देश? सर उत्तर प्रदेश पुलिस के पास में बहुत अच्छी सोशल मीडिया लैब है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उच्च कोटि का काम कर रही है। अभी हाल में भारत सरकार में इसका प्रेजेंटेशन भी हुआ था, जिसको यूपी पुलिस की जो सोशल मीडिया लैब है उनकी टीम है उसको बहुत ही उच्च कोटि का पाया था और उसको अन्य स्टेट में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए अडॉप्ट किया जा रहा है। सोशल मीडिया में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें उसको हमने सिटीजन सेंट्रिक बनाया है, जहां नागरिक अपनी बात रख सकता है, शालीनता से सज्जनता से अपनी बात रखता है और फिर उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, उसकी परेशानियों को दूर करते हैं। और उसका हमारा एक इंटरनल मैकेनिज़्म है कि जब भी इस तरह की कोई परेशानी नागरिक रखता है तो उसको हम लास्ट माइल तक ले जाते हैं, मतलब जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक उस पर कार्रवाई चलती रहती है। सर STF की तर्ज पे एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है, थाने भी बनाए जाने की जो प्रक्रिया है उसका आगे जो है प्रक्रिया चल रही है, किस तरह देखते हैं सर, क्या कहेंगे इस पर? पहले फेज में हम लोग 3 थानों का गठन कर रहे हैं, बाराबंकी, गाजीपुर और मेरठ, तो ये पूरे प्रदेश को कवर करेंगे, इनका ज्यूरिडिक्शन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स का होगा और साथ में फिर ऑप्स टीम बना के दी जा रही हैं जिसमें वो ऑपरेशंस कर सकें, तो बहुत एक सशस्त्र जिसे कहते हैं स्ट्रांग मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं STF के तर्ज पर, जिसमें ड्रग माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश के DGP सर हैं जिन्होंने बताया कि तमाम मुद्दों को लेकर कैसे जो है NCRB के जो आंकड़े आए हैं तो ये यूपी पुलिस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और आखिर इसको कैसे जो है छुआ गया है। और जाहिर सी बात है कि टीम वर्क हुआ है, सभी पुलिसकर्मियों ने काम किया है, सभी अधिकारियों ने काम किया है, सरकार के दिशा निर्देश पर DGP मुख्यालय में जो बैठे तमाम अफसर हैं उन्होंने बेहतर काम किया है। यही वजह है कि जो NCRB के आंकड़े आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश आज अव्वल है, जिसमें दंगा मुक्त प्रदेश हो चुका है, तमाम जो अपराध है
उसमें लगातार गिरावट आई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि जो ड्रग माफिया है उन पर लगाम लगाया जाए, तो एसटीएफ के तर्ज पे एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, थाने बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जा रही है, क्योंकि तमाम जिलों में अक्सर देखा जाता है कि जब दंगा होता है तो जो अपराधी हैं वो बचने में कामयाब होते हैं, तो ऐसे में उन पर लगाम लगाया जा सके। यही वजह है कि एक अलग जो है ये ड्रोन जो व्यवस्था है वो लाने की बात जो है वो डीजीपी साहब कर रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में फायदा भी दिखेगा। कैमरा पर्सन SK वर्मा, साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।